तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। दरअसल तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने मामले में आरोपी मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में है। पिछले सप्ताह तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट लेकर उसे अपने साथ ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में की। मनीष कश्यप के साथ ही उनके सहयोगी रवि पुरी और अमित सिंह को भी इसमें नामजद किया गया। मनीष के खिलाफ ईओयू की ओर से दर्ज ये चौथा केस। इसके अलावा तमिलनाडु में भी मनीष के खिलाफ करीब आधा दर्जन केस दर्ज हैं। इसी मामले में मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई कोर्ट के सामने मनीष कश्यप को पेश भी किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप की रिमांड सोमवार तक के लिए मिली थी। रिमांड की समय सीमा समाप्त होने के बाद उसे अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उसे जेल भेजा गया। तमिलनाडु पुलिस ने 7 दिन के लिए रिमांड की समय मांगी थी। बता दें कि फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर 29 मार्च को अपने साथ ले गई थी। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा मामले में फर्जी वीडियो बनाने का आरोप है, और साथ ही बिहार के साथ साथ तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई की टीम 5 दिन की रिमांड लेकर मनीष कश्यप से पूछताछ कर चुकी है। अब तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे ले गई थी। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों की आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल आरोप है। अब अपने ऊपर लगे आरोपों के बीच मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ सभी केस को क्लब करने की मांग की है। अब इस मामले में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी। संजय मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।